अस्सलाम वालेकुम क्लास, आज हमने पेज नंबर 102 पे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करने हैं। हमारा आज टॉपिक है द रिकरिंग और एंडिंग डेसिमल। क्या होते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं और फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है, हमने 19 को 9 पे डिवाइड करना है, ठीक है। यहाँ पे हम रफ वर्क में 19 को 9 पे डिवाइड कर देते हैं। 9 का टेबल पढ़ेंगे, जहाँ पे 19 से छोटा नंबर आए, 9 2 18, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, हमारे पास 1 आ गया। अब हमने क्या करना है, ऊपर पॉइंट लगाएंगे, हमारे पास 1 के साथ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 9 का टेबल पढ़ते हैं, जहाँ पे 10 से छोटा नंबर आ जाए तो 9 1 9 है। दोबारा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 1 और पॉइंट हमारे पास लगा हुआ है तो ये 0 आ जाएगा। अब हम 9 1 9 करते हैं, दोबारा करते हैं तो ये दोबारा 10 हो जाएगा। फिर ये 9 1 9 माइनस करेंगे, 1 पॉइंट लगा हुआ है, 0 इसी तरह लग जाएगा, 9 1 9। अब हमने जो है ये इसी तरह चलता जाएगा, आपका यही मेथड बार बार रिपीट होगा। तो इस चीज़ को हम, ये जो हमारे पास डेसिमल नंबर आया है 2.111, इसको हम रिकरिंग डेसिमल कहते हैं, यानी कि ये चलता जा रहा है, सेम नंबर्स चलते जा रहे हैं, ये हमारे रिकरिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब हमने 4 इसको राउंड ऑफ करना है 3 डेसिमल प्लेसेस तक। आप फोर्थ प्लेस पे देखेंगे 1 आ रहा है तो हम इसको 2.111 ही लिख देंगे, ये इसी तरह सेम रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 6। अब हम इसको भी इसी तरह करते हैं, 1 हम अंदर रखेंगे, 6 हम बाहर रखेंगे, पॉइंट लगाते हैं तो हमारे पास 0 आ जाएगा। 6 1 6 सब्ट्रैक्ट किया, 4 आ गया, पॉइंट लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, 0 इधर आ जाएगा। 6 6 36 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 आ जाएगा। 6 6 36 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 आ जाएगा और 0 फिर लग जाएगा, 6 6 36, ठीक है। ये इस तरह चलता जा रहा है, क्यों, ये रिकरिंग डेसिमल है। अब हम इसको लिख लेते हैं, ये किसके बराबर है, इक्वल्स टू 0.166। अब आपने कहाँ तक जाना है, आपने 3 डेसिमल प्लेस तक जाना है, ठीक है। 3 डेसिमल प्लेस तक जाने के लिए हम क्या करेंगे, फोर्थ नंबर पे देखेंगे कौन सा नंबर है। फोर्थ पे हमारे पास 6 है, तो अब अगर 5 से बड़ा नंबर आ जाए तो आपने नेक्स्ट नंबर में 1 ऐड कर देना है, तो ये 6 1 6 7 हो जाएगा, ये हमारा आंसर है। इसी तरह आपने ये सारे क्वेश्चंस अपनी कॉपी पे कर देना। थैंक यू।